बेली डांस अभी भी बाय संजना शर्मा क्या होने वाला है, और नाम काफ़ी यूनिक लग रहा है, अगर नाम के बारे में बताएं और इस डांस स्कूल के बारे में कुछ बताएं। सो हाय गाइस, मेरा नाम संजना शर्मा है एंड बेसिकली आफ्टर 11 इयर्स ऑफ टीचिंग बेली डांस एंड बीइंग इन द फील्ड ऑफ बेली डांस, यू नो एक करेज और हिम्मत डेवलप करनी होती है टू फाइनली फॉर्म योर स्कूल। सो इतना काम करने के बाद आफ्टर 11 इयर्स आफ्टर कोविड हिटिंग अस, मैंने फाइनली सोचा कि लेट्स लॉन्च माय ओन स्कूल। सो हमने नाम रखा है बेली डांस हबीबी, इसीलिए ताकि बेली डांस सुन के ही सबको समझ आए यस ये बेली डांस स्कूल है हमारा। और हबीबी, हबीबी बेसिकली मीन्स लव, मीन्स प्यार। इस स्कूल में जो भी आता है वो सीखता है, वो अलग अलग वे में हील होता है। मूवमेंट एक थेरेपी होती है। बेली डांस से हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, हमें खड़े कैसे होना चाहिए, हमारा पॉस्चर कैसा है, हमारे मसल्स, वी अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ योर मसल्स, वी आर मोर अवेयर अबाउट आवर ओन सेल्फ इन डिफरेंट वेज, वी हील आवर सेल्फ इन डिफरेंट वेज। सो हबीबी मीन्स लव एंड द मैसेज टू पुट आउट देयर, यू नो दैट कम, इट्स लवेबल एंड एवरीबडी कैन हैव फन। सो बेली डांस हबीबी इट इज़। एंड आज का इवेंट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। कोविड की वजह से 2-3 ईयर्स हमें स्टेज नहीं मिल पाया। इट टेक्स अ लिटिल कॉन्फिडेंस कि क्या हम ऑडिटोरियम बुक करें, क्या कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। सो ये सोच सोच के फाइनली दिस ईयर डूइंग द टेकिंग अ लिटिल करेज, आई थॉट लेट्स यू नो पुट माई स्कूल आउट देयर एंड कीप अ एंड कीप अ बेली डांस शोकेस सो दैट आई गिव माई स्टूडेंट्स अ स्टेज टू कम एंड परफॉर्म। ऑल दीज गर्ल्स जो आज आके परफॉर्म करने वाले हैं 60+, वो प्रोफेशनल्स हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई होम मेकर है। होम मेकर इज ऑल्सो लाइक अ फुल टाइम ड्यूटी एंड वर्क। सो हमारे पास हर टाइप के डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं जो आके परफॉर्म करने वाले हैं। आज के इवेंट में 4 ग्रुप परफॉर्मेंसेज होने वाली है, बेली डांस कॉम्पिटिशन होगा, मैं एक सोलो परफॉर्म करूंगी, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक जुगलबंदी होगी लाइव इंस्ट्रूमेंट के साथ, लाइव परकाशन के साथ, लाइव इंस्ट्रूमेंट के साथ, जो आई थिंक ऑडियंस के लिए समथिंग डिफरेंट होगा टू वॉच, एक जुगलबंदी बिटवीन अ बेली डांसर और एक परकाशनिस्ट आर्टिस्ट। एंड सो यस, ये हमारा आज का पूरा इवेंट होने वाला है। तो लॉन्च करने वाले आपके बेली डांस स्कूल, साथ ही आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है, तो रियलिटी शो, फिर आपने जो अपने गुरु से जो शिक्षा ली, अगर उस बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सीखने आएंगे वो आपसे भी इंस्पायर होने वाले, अगर आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। फर्स्टली आई थिंक लर्निंग इज समथिंग दैट इज नेवर एंडिंग। हम कितना भी सीखें वो कभी भी कम हो जा पड़ेगा, यू नो कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं होंगे हम कितना भी सीखें। तो मैं उनमें से हूँ जो सीखना बिलीव करती है एंड आई वॉन्ट टू बी अ स्टूडेंट फॉर एवर, लाइक दिस इज वन थिंग। सो मुझे प्रॉपर 11 ईयर्स हो गए हैं बेली डांस सिखाते हुए, बेली डांस सीखते हुए, एंड टिल डेट मैं सीखती भी हूँ एंड सिखाती भी हूँ। एंड ऑनेस्टली मैं 12th स्टैंडर्ड में थी व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग बेली डांस। बेसिकली मैंने बेली डांस बस इसलिए सीखना चाहती थी ताकि मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ। वो कॉलेज में जब होते हैं यू नो एक थॉट होता है, वी वॉन्ट टू बी सेक्सी, वी वॉन्ट टू लूज सम वेट, मैं उनमें से एक थी। बट जब मैंने बेली डांस क्लासेस ज्वाइन की, समथिंग आई रियलाइज्ड इज एज अ वुमेन आई शुड बी कॉन्फिडेंट नो मैटर वॉट कलर, शेप, साइज, एज आई एम, क्योंकि मूवमेंट इज अ थेरेपी। जब मैंने चेस्ट मूवमेंट्स किए पहली बार, जनरली बेली डांस इज अ डांस फॉर्म वेयर वी यूज अवर चेस्ट, बेली एंड हिप्स। सो व्हेन आई यूज माई चेस्ट, व्हेन आई यूज माई हिप फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वॉज सो कम्फर्टेबल, आई वॉज लाइक वाओ दिस इज संजना, यू नो, बिकॉज आई हैव बीन अ टॉम बॉय इन माई अर्लियर एज, मैं क्रिकेट खेलती थी। तो बेली डांस हेल्प मी टू बी मोर फेमिनिन एंड एक्सप्लोर माई फेमिनिन साइड। I kept learning for 6 years in the same school. मैं वहाँ पर ही student थी, वहाँ पर मैंने teacher training का course किया। मैं junior assistant थी, assistant, senior teacher, उनका back end school manage कर दी थी and finally वो school एक दिन बंद हो गया। उसके बाद of course मैं थोड़ी निराश थी कि अब क्या करना है। वो school actually एक फिरंग का था, so I thought कि अब मुझे क्या करना है। उसके बाद my parents, my family and my fiance, they gave me a courage, यू नो आप इतने साल से कुछ कर रहे थे तो लेट्स गो अहेड, यू नो आप कुछ सोचो मत, जस्ट गो अहेड, जो आप कर रहे थे वही आप फियरलेसली करते रहो। सो फाइनली मुंबई में आफ्टर 6 ईयर्स एक कंपनी में काम करने के बाद, एक बेली डांस स्कूल में काम करने के बाद, मैं जगह जगह पर जाके फ्री ट्रायल क्लासेस देती थी, यू नो वहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स मिलते थे, वैसे मैंने उन्हें सिखाना शुरू किया। उसके बाद यू नो हमें हो गए 7-8 साल हो गए। इन सब के दौरान आई यूज टू कीप ट्रैवल इंटरनेशनली ऑल्सो, आई बिन टू इजिप्ट एंड स्विट्जरलैंड, जहाँ पर
बेली डांस फेस्टिवल्स होते हैं एंड बेली डांस टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पर आते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं, परफॉर्म करते हैं. आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी वहाँ के टीचर्स से सीखने के लिए, स्पेशली इजिप्ट, यू नो, वहाँ से द कल्चर ऑफ बेली डांस ऑल्सो कम्स. उन्हें सिखाया, उस स्टेज में परफॉर्म किया, रिप्रेजेंट किया इंडिया बाई डूइंग बॉलीवुड फ्यूजन विद बेली डांस. एंड देन फाइनली जब मैं इंडिया आई, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स कीप गोइंग ऑन. एंड वन डे देर वॉज अ कोऑर्डिनेटर जो मेरे पीछे पड़ गए कि आपको रियलिटी शो में आना है. यू नो, हमेशा एक कॉल आता था बट आई वॉज नॉट श्योर कि यू नो रियलिटी शो में जाने के लिए यू नो क्या मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ. एंड फाइनली वन डे उन कोऑर्डिनेटर का कॉल आया. सो वॉट आई डिड वॉज, मैंने अपने सब बिगनर स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, हमने एक टीम बनाई 15 प्लस गर्ल्स की. एंड हम डांस प्लस के ऑडिशन के लिए गए, हमने 3-4 बैकएंड के ऑडिशंस दिए एंड हर ऑडिशन क्लियर होता गया. एंड फाइनली हम ऑडिशन, टीवी ऑडिशन राउंड तक पहुंचे एंड वी वर सेलेक्टेड टिल टॉप 70. देन उसके बाद मुझे अगेन अपॉर्चुनिटीज मिली. देन फाइनली मैंने सोचा एक रियलिटी शो करती हूँ जहाँ पे मैं खुद पे फोकस कर पाऊँ इंस्टेड ऑफ द एंटायर टीम ऑल्सो, बिकॉज ये स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं दे आर प्रोफेशनल पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, तो समटाइम्स इतनी कमिटमेंट देना पॉसिबल नहीं हो पाती है टाइम वाइज, फाइनेंशियली. सो इंडियाज बेस्ट डांसर मैंने सोचा आई हिट, यू नो, एज अ सोलो. वहाँ पर गई, करते करते ऑडिशंस करते करते आई वेंट इन टॉप 30. एंड जैसे ही मेरा इंडियाज बेस्ट डांसर का सीजन रिलीज हुआ टीवी पे, आई गॉट अ लॉट ऑफ फेम, अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. लोगों को पता चला कि कोई इंडियन गर्ल भी बेली डांस करते हैं और बेली डांस स्कूल भी होता है. मेहर मलिक इज़ अ वेरी, यू नो, अ फेमस नेम जिन्होंने बेली डांस इंडिया में, लाइक, लोग उस नाम से जानते हैं क्योंकि वो रियलिटी शो में गए थे. तो रियलिटी शो में जाना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस मिलती है दैट समथिंग लाइक बेली डांस ऑल्सो एग्जिस्ट. सो बींग इन दैट रियलिटी शो आई गॉट लाइक अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल. एंड राइट आफ्टर दैट कोविड हिट. सो मुझे उस साल में इतना काम मिल गया था कि मैं पूरा साल काम कर दी, बट कोविड हिट हो गया. बट नेवर द लेस कोविड के जितने ईयर्स थे, समथिंग दैट आई फोकस्ड ऑन वॉज बेली डांस. हबीबी, दिस इज समथिंग मेरा फोकस था कि जैसे ही थिंग्स विल गेट बेटर आई विल कीप अ बेली डांस शोकेस एंड लॉन्च माई ओन स्कूल. सो मैंने कोविड के सब ईयर्स यूज किए अपनी और ट्रेनिंग करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी. एंड लाइक आई सेड, लर्निंग एंड टीचिंग इज समथिंग विच नेवर एंड्स. तो टिल डेट अभी भी मैं सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ. अच्छा, आपने बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया, ऐसा कोई सेलिब्रिटी है जिसको ट्रेन करना चाहती है आप या फिर उसको कोरियोग्राफ करना चाहती है? सबसे अच्छा होता है जब मुझे बहुत मज़ा आता है बेली डांस सिखाने में. एंड जो मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम है, आई वॉन्ट टू गो टू एंटायर इंडिया इन एवरी स्टेट एंड बी एबल टू टेक एटलीस्ट अ बेली डांस वर्कशॉप और मैं किसी को बता पाऊँ बेली डांस क्या होता है, उन्हें इंट्रोड्यूस कर पाऊँ इस स्टाइल से. एंड इन सब चीज़ों के लिए हमें अगर कुछ चाहिए होता है तो वी नीड अ मास, यू नो, जहाँ पे हम कम्युनिकेट कर पाए. वी नीड पीपल जो हमारा मैसेज पहुंचा पाए. तो सेलिब्रिटीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डूइंग दैट. सो आई ट्रेंड अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज लाइक विशाली कुमार, शी इज गुलशन कुमार्स डॉटर, दिव्या अग्रवाल, सना खान, रिया सुबोध, रिया कृष्ण राय चंदानी, सना खान, लाइक अ मेनी ऑफ देम, भूमि त्रिवेदी. वेन यू टीच देम वॉट हैपन्स इज, जब नॉर्मल आम आदमी, हम जैसे कॉमन मैन, वेन वी सी देम डूइंग बेली डांस, तब लगते हैं ओ बेली डांस भी एग्जिस्ट होते हैं, इसकी भी क्लासेस एग्जिस्ट होती है. तो लोग एक्चुअली क्लासेस आते हैं सीखने के लिए. सो सेलिब्रिटीज भी अगर मैं किसी को सिखाना चाहूँगी तो ऑफकोर्स अगर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस, यू नो, जो मेरे पास आए डिसिप्लिन से बेली डांस सीखना चाहे, सो आई वुड लव टू. ऑफकोर्स दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, लाइक दीज आर माई फेवरेट हीरोइंस, तो वाई नॉट माधुरी दीक्षित जी. सो सीखने कोई भी आए, मज़ा तो बहुत आएगा सिखाने में. सो यस, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक. और नोरा फतेही भी बहुत अच्छा बेली डांस करते हैं, ये प्लान्स टू टीच हर, लाइक, मतलब अभी हमने देखा कि बैक टू बैक उनके गाने आ रहे हैं और मतलब डांस के मामले में वो बहुत अच्छा कर रही है. नोरा फतेही, और नोरा फतेही, लाइक, ऑफकोर्स उन्हें बेली डांस करते हुए इंडिया में लोगों ने देखा है एंड उनके डांस वीडियोज देख के हमारे पास क्लासेस में गर्ल्स भी आते हैं, वैसा डांस हमें सीखना है. सो नोरा फतेही एक्चुअली इज अ सेल्फ ट्रेन्ड बेली डांसर, और अगर वो
थोड़ा एक प्रोफेशनल बेली डांसर से आके अगर सीख भी लेंगे और हमारे साथ भी डांस कर लेंगे या परफॉर्म करेंगे, तो वो उनके डांस पे और चार चांद लगा देगा. शी इज़ अ परफॉर्मर, शी इज़ अ वर्सेटाइल डांसर. वो सिर्फ बेली डांस नहीं करते, वो बाकी सब स्टाइल्स भी करते हैं. आई थिंक अगर वो आके थोड़ा हमारे साथ प्रोफेशनली थोड़ा सा सीख लेंगे, लाइक थोड़ा सा हमारे साथ अगर वो इनपुट कर लेंगे, शी कैन डू इवन यू नो वंडर्स. तो ऑफकोर्स इट विल बी वन ऑफ माई ड्रीम टू ऑफकोर्स टीच नौरा फतेही. एंड या एंड लास्टली एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू ऑडियंस और your students watching this video? So everybody watching this video, I would like to tell you is जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, just take that one step and go ahead and do it. Don't think, कल कभी नहीं आता. I basically belong to Delhi. I was born in Delhi. I was brought up in Mumbai. I was 11 months old when we came to Mumbai, and you know, I didn't have any background here. I didn't have my entire extended family here. We were just five of us staying in a rented apartment, and you know, that's how we came to Mumbai. And I didn't have anybody in dancing background or from industry. Anything that I would like to tell you is keep working hard and believe in yourself. If you work hard, if you're right there to do something for yourself, अपने आप आपको सब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और लाइफ में आप कर पाओगे. एंड स्टे कंसिस्टेंट, आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे आपको सब कुछ मिलेगा. दिस विल बी माई मैसेज दैट बी आउट देयर विथ योर करेज, विथ योर लव, योर वेरी स्ट्रांग, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, कंसिस्टेंट एंड ऑलवेज हार्ड वर्किंग. इसे जगरीत कहते हैं. जब बेली डांसर्स बहुत खुश होते हैं तो हम ये जगरीत करते हैं. सो आई होप आप भी बहुत खुश हो हमारा ये छोटा सा इंटरव्यू देख के. थैंक यू सो मच.